टू कम बैक टू माई व्लॉग। तो बहुत दिन से मेरा चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा स्कूल हो चुका है, अभी खुल चुका है, तो इसलिए मेरे को टाइम भी थोड़ा सा कम मिलता है, इसलिए मैं व्लॉग भी ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। अभी आज हम आए हैं मेरी बुआ के साथ, मैं अपने बुआ के साथ। तो आज हम आए हैं हमारे इधर जो अपना पूरा हरियाली है, ठीक है, हमारा गांव का सबसे हरियाली वाला प्लेस यही है, जो कि है हमारा धान का खेत। और पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये सब धान का प्लांट है। तो गाइस चलो तो दिखाता हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं अभी आपको धान का खेत जो है, जो प्लांट है, उसको बगल से भी दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं उसके बाद। हाँ, हमारा इधर खेत है, करीब 5 बीघा जमीन पे हमारा पूरा खेत है। गाइस अभी हो रहा है फिलहाल मेरे पीछे हो रहा है सनसेट, उधर देख सकते हो इस साइड में सनसेट हो रहा है, और चारों तरफ देख सकते हो मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है। ओके गाइस अभी थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ हरियाली। इधर इस साइड में जो है ये पूरा हमारा है ना, शायद ये पूरा हमारा ही है, और आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरा हरियाली है दूर तक। इस जगह पे आके अगर ऐसे घूमोगे आपको हरियाली की वजह कुछ नहीं दिखेगा, पेड़। और मैं आपको दो चीजें बताता हूँ वो आपको दिखने को मिलेगा, वो है पेड़ और ये धान का प्लांट, और कुछ नहीं। मतलब तो इधर थोड़ा सा घर वर है फिलहाल देख सकते हो। अगर आप और थोड़ा सा आगे गए तो गाइस इधर भी हमारा खेत है और इधर भी हमारा खेत है, तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा अपना मतलब खेत है, क्योंकि इधर चारों तरफ हमारे गांव में जितने भी लोग हैं सबका खेत इधर है, लिटरली सबका ऑल ओवर सबका इधर खेत है। ओके तो दिखा देता हूँ भाई कितने दूर दूर तक है, ये देखो देख सकते हो गाइस कितनी दूर दूर तक ये खेत मान दिखा दो, और इधर देख सकते हो आसमान, और इस जगह पे आसमान अगर बहुत क्लियरली दिखता है इस जगह में। ओके आसमान, और इधर देख सकते हो भाई क्लाउड्स। मैं फिलहाल करता हूँ इस ब्लॉग को एंड, अगर वीडियो को पसंद आ तो लाइक कमेंट शेयर, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।